मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। पूरे हिंदुस्तान में जब से वक्फ अमेंडमेंट 2024 के बिल को लेकर बात हुई है, पूरे हिंदुस्तान में उन तमाम मुसलमानों के नेताओं में और मुस्लिम तंजीमों में हाहाकार मचा हुआ है। आखिर वक्फ को लेकर इतनी सारी बात क्यों हो रही है? अल्पसंख्यक कार्यरत मंत्री किरण रिजिजू ने जब से इस बिल को लाकर एक बात कही है, एक पत्रकार हैं और काफ़ी फेमस हैं, पूरा हिंदुस्तान उनको लगभग जानता है, रूबी का लियाकत, उन्होंने वक्फ को लेकर एक वीडियो बनाया और वीडियो शेयर हुआ बीजेपी के एक्स ट्विटर हैंडल से। अब बीजेपी ने उनका ये जो वीडियो है वो क्यों शेयर किया है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज उन्होंने अपनी बात के दौरान हज़रत उमर फारूक का भी जिक्र किया, हदीस कोट कर दी। मैं सिर्फ रूबिका लियाकत से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आज जब वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध मुसलमान कर रहे हैं तो आपको हज़रत उमर फारूक जो कि दूसरे खलीफा हैं उनकी भी याद आ जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात जिसको आप हदीस कह रही हैं वो भी आपको याद आ जाती है, तो न जाने कितने ऐसे मुद्दे हिंदुस्तान भर में हो रहे हैं तब आपको हजरत उमर फारूक की बात याद नहीं आती है? क्या तब आपको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद नहीं आती है? आज कितनी मस्जिदों को अवैध बताकर लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या मुंबई की मस्जिद आप नहीं देख रही हैं? क्या हिमाचल प्रदेश की मस्जिद आप नहीं देख रही हैं? क्या लगातार मुसलमानों पर जो जुल्म और बर्बरता हो रही है क्या वो आपको नजर नहीं आता है? क्या आपको जरूरत नहीं है टेबल बजाने की और ये बात करने की कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? और हल्के से आकर कोई भी कहता है अल्पसंख्यक समाज के लिए, अरे सर मुसलमान वर्ड मुंह से निकालिए। चलिए पहले सुनिए कि रूबिका लियाकत क्या कुछ अपनी इस वीडियो में वक्त को लेकर कह रही हैं। हालांकि उन्होंने दो या तीन या चार बातें इस पूरी वीडियो में उस तरह कही हैं, मैं उससे रिलेटेड पहले वीडियो बना सकता हूँ कि वक्त का आज तक कोई अच्छा मदरसा नहीं है, आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसको उन्होंने कॉट किया है, ये बात ठीक है। लेकिन रूबिका लियाकत जो कुछ कह रही हैं, जो बता रही है ना कि इतनी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को लेकर पहले मैं उनकी छोटी 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 क्लिप आपको साथ के साथ सुनवाता चलता हूँ ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए। आइए सुनते हैं रूबिका लियाकत क्या कुछ कह रही हैं। और इसीलिए वक्फ बोर्ड पर थोड़ा डिटेल में और बेबाक तरीके से बात हो जाना ज़रूरी है ताकि आप भी समझें, जिनको गफलत है वो भी समझें, और जो इस पूरे मामले को मुसलमानों को डराने धमकाने वाला बिंदु बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी एक्सपोज हो जाएं। वक्फ बोर्ड पर जाने से पहले मैं आपको वक्फ के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि हर सवाल जो आपके जहन में है वो क्लियर हो जाए, और मैं सवाल जवाब के सिलसिले में ही आपसे बात करूँगी। तो शुरुआत करती हूँ वक्फ से। वक्फ क्या है और इसको लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ, ये तो दूसरा सवाल है, ठीक है, लेकिन पहले वक्फ पर बात करती हूँ। इट्स एन अरबिक वर्ड, ठीक है, वकूफा। इसका अर्थ क्या होता है? ठहरना या समर्पण, टू गिव इट ऑल। इस्लाम के हिसाब से वक्फ किसे कहते हैं? उसे जब आप अपनी कोई संपत्ति, चाहे वो पैसा हो कि ज़मीन हो कि ऑफिस हो कि बंगला हो कि साइकिल हो कि बाइक हो, कुछ भी, या गहना हो, आप अपनी संपत्ति को अल्लाह के हवाले करते हैं ताकि उससे ज़रूरतमंदों का फ़ायदा हो सके। जो ज़रूरतमंद है, जिसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, उसका फ़ायदा हो जाए, उसके काम आ जाए। तो इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान, कोई भी संपत्ति जो उसकी खुद की है वो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए वक्फ कर सकता है। और इसी वक्फ की गई संपत्ति की देखरेख के लिए भारत में वक्फ बोर्ड बनाया गया है। तो आपने देखा रूबिका लियाकत ने पहले आपको वक्फ का मतलब समझा दिया कि वक्फ है क्या, यानी वक्फ अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ जो है वो समर्पित कर देनी, उसमें कह रही हो बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, या कोई भी चीज़ हो, वक्फ जो है वो ठहरना है किसी, गिव इट टू ऑल, ऐसे करके वो कह रही हैं, बता दिया। अब वो क्या कह रही हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है वो बता रही हैं। और संपत्तियों की अगर बात करूँ, हिंदुस्तान में कुल कितने राज्य और केंद्र सारे वक्फ बोर्ड मिला दूँ मैं तो 30 होते हैं देश भर में, और इनके पास जो ज़मीनें हैं और जो प्रॉपर्टी हैं वो सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं आपको आंकड़ों में बताऊं तो इस वक्त 870,000 प्रॉपर्टीज़, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ वक्फ के पास है, और केवल ज़मीन अगर मैं बताऊं, केवल ज़मीन तो वो है 940,000 एकड़ की, इतनी इनके पास ज़मीन है।
और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है, आपको पता है वो क्या कहती है? सच्चर कमेटी की ये रिपोर्ट कहती है कि इन ज़मीनों का इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है, और ये कब कहती है? 2006 में। अब तो वैल्यूएशन आप भूल जाइए, वो कितना बढ़ गया होगा। 2006 में जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसमें ये कहा गया कि अगर इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल तरीके से किया गया होता तो रेवेन्यू ऑफ 10% एटलीस्ट, मतलब दे कुड हैव जनरेटेड एटलीस्ट अ मिनिमम रेवेन्यू ऑफ 10%। मिनिमम रेवेन्यू 10% का कितना है, अंदाजा लगा सकते हैं कितना होगा? बताइए, 1200 करोड़ रुपए। मतलब समझ रहे हैं आप, 1200 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती थी अगर इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल तरीके से किया गया होता, इसका मैनेजमेंट सही तरीके से किया गया होता। इस्लाम को जितने भी मानने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि वक्फ से उनकी मदद होगी जो मदद नहीं पा रहे हैं, या जो कमा नहीं रहे हैं, या जो बेवा है, जो यतीम है। अब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है, इतना इनकम जनरेट अगर हो सकता था, तो फिर जो 20% हिंदुस्तान का मुसलमान है वो तो बाकी सबसे रईस होता। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी की काफ़ी ट्रेंडिंग वीडियो है, उन्होंने उस पर कुछ बताया है कि कहाँ किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कैसे है। पहले असद साहब से रूबिका लियाकत को ये जवाब दिलवा देते हैं, आइए सुनिए असद साहब क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। बार बार टीवी पे आके ये आरएसएस की ज़हनियत के लोग एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड में 870,000 की प्रॉपर्टी है और 940,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते टीवी पे हर एंकर बोलते, वक्फ बोर्ड के पास जो है 940,000 एकड़ है, आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम या सैंकर से बोलना पड़ेगा, बाबू हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे? अभी आपको बता तो इनकी झूठ। तमिलनाडु में टेम्पल और मठ की जो जमीन है 478,000 एकड़ है, खाली तमिलनाडु में। मंदिर और मठ की कितनी है? 478,000। बोलो 4,00,000। अब आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4,00,000 है। 4,78,000, 4,00,000, 8,78,000 हो गए। इन्हू क्या बाजा बजा रहे, 940,000। अबे दो रियासत को मिलाए तो 878,000 हो गए। अब इसके बाद आप जाओ तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की खाली। अब ये तीनों को मिलाते जाओ 4,78,000, 4,00,000 तमिलनाडु के, 4,00,000 आंध्रा के, तेलंगाना के 87,000। अब ओडिशा को जाओ आप, ओडिशा में खाली 13 हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिरों की जायदाद, सिर्फ 13 की, कैक की रिपोर्ट है, 12,767 एकड़। यानी चार रियासत को मिला लिए तो 10,00,000 हो गई। यूपी नहीं मिला है अभी, महाराष्ट्र नहीं मिला है, बिहार नहीं मिला है, कलकत्ता बंगाल नहीं मिलाए, आसाम नहीं मिलाए, झारखंड नहीं मिलाए। अबे किसका बाजा बजा रहे तुम? खाली 3 रियासतों 4 रियासतों में 10,00,000 एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, मगर तुमको खाली दूल्हे भाई के पास 9,40,000। कितना झूठ बोलेंगे? अरे संघ, अरे आरएसएस के झूठो, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मों,
9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये चार रियासतों में 10,00,000 एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे? नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दीवी नहीं है ये, गवर्नमेंट की नहीं दीवी है, हमारे आबाजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वफ किया है। 9,40,000 है, चार रियासतों में 10,00,000 एकड़ है, उस पर नहीं बात करेंगे। अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। रूबिका लियाखत जी, आपने ये तो बता दिया कि मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है 9.5 लाख समथिंग करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो है, उससे जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो 1200 करोड़ होता है। लेकिन यहाँ आप ठहर के ज़रा देर ये बात सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उस पर एक नज़र मैं आपकी डलवा देता हूँ। शायद आप ये वीडियो ना देख पाएँ, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ या दिखा सुना रहा हूँ कि उनको भी आखिर पता चल जाए। हालांकि पूरा चट्टा बट्टा जो है वो असद साहब ने खोल के रख दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया है, लेकिन उसके बाद मैं बताऊं, देश में मौजूद वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर अब अन्य समुदाय की संपत्तियों से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की तादाद बहुत कम और अन्य धर्मों के पास अधिक यानी जायदाद बताई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लगातार ये प्रचार किया जा रहा है कि देश में मौजूद वक्फ प्रॉपर्टी रेलवे और सेना के बाद तीसरे सबसे बड़ी संपत्ति है। ये बात बहुत बोली जाती है और गूगल पर आप सर्च करेंगे तो लिखा हुआ आएगा, और लिखा हुआ ये भी आएगा कि जितने गोवा का क्षेत्रफल है उसकी बराबर वक्फ की संपत्ति है, जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदू बोर्ड के पास 1.5 लाख एकड़ जमीनें देश भर में मौजूद हैं, बाकी जबकि वक्फ बोर्ड के पास मात्र 9.5 लाख एकड़ जमीन ही उपलब्ध है। अब देखिए, सिर्फ तमिलनाडु के हिंदू बोर्ड के पास 3.5 लाख एकड़ और आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़ जमीन जायदाद है, जबकि वक्फ की पूरे भारत में कुल संपत्ति 9.5 लाख एकड़ है। कम से कम हर प्रदेश में हिंदू बोर्ड के पास 5 लाख एकड़ जमीन होनी ही चाहिए, जिसमें मंदिर, आश्रम, मठ, अखाड़े, वेट, पाठशालाएं, सरस्वती शिशु मंदिर, घाट, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, दरबार और गुफाएं शामिल हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मंदिरों के पास है, मठों के पास है, जितने भी नाम मैंने आपको लिए हैं। हिंदुस्तान में लगभग 85 करोड़ लोगों को राशन बांटा जाता है। ये प्रॉपर्टी जो है जिन पे इस तरह के कब्जे हुए हुए हैं, अगर एक तरफ मुसलमानों की बात की जाए, रूबिका लियाखत अपनी इस पूरी वीडियो में एक बात और कहती हैं कि मुसलमानों को गफलत में रखा जा रहा है। मैडम, 5 करोड़ लोगों ने मेल भेजे हैं, और दिमागी एतबार से, सलाहियत के एतबार से, क्योंकि आपका नाम भी रूबिका लियाकत है, आप भी मुसलमान हैं, तो अल्लाह ने मुसलमानों को इतनी सलाहियत दी है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए गलत है या क्या चीज़ उनके लिए ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि 85 करोड़ लोगों को राशन बांटा जाता है मैडम, लेकिन इतनी सारी जमीन, वफ की जमीन तो बता दी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन मंदिरों के पास, मठों के पास, आश्रम के पास इतनी ज़मीन है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट 85 करोड़ लोगों को राशन बांटने पर मजबूर है, जिसमें मुसलमान भी राशन लेते हैं। ये तो बात है कि वक्फ अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रहा है। आपकी एक दो बात बहुत ठीक है इसमें कि ना अच्छा कॉलेज है, ना अच्छा हॉस्पिटल है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो वक्फ बोर्ड जो है, जो ज़मीन वक्फ की गई है, वो उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है। उसमें जो भी तरमीम है वो वक्फ बोर्ड या मुसलमान सोचेंगे, क्योंकि ये औकाफ या जमीन की लड़ाई नहीं है, ये शरीयत में या मजहब में मुदाखलत की लड़ाई है। मैं रूबिका लियाखत जी आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, ये शरीयत में और मजहब में मुदाखलत की लड़ाई है, ये लड़ाई जमीन या प्रॉपर्टी की बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, नाम भी सुना होगा, बात भी आपने बहुत की होगी, ये एक ऐसा दानिश्वर इंसान है जिसको अल्लाह ने इतनी समझ अता की है, और कानून बनाने में जो कुछ होता है असद साहब से बेहतर कौन जान सकता है, जो हर मसले पे मुसलमानों के आकर बात करते हैं, बोलते हैं और बयान करते हैं, और कोई भी अगर ऐसी चीज़ लाई जाती है तो वो साफ तौर पर बता देते हैं कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, और उसके पीछे का रीज़न भी एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी मुखालफत की वजह क्या है। तो आज आपने जब ये वक्फ का पूरा सिनेरियो जो एक
पूरा एक पूरा जो सीन खींचा है, जो एक संरचना की है, जो एक बात मुसलमानों तक पहुंचाने की है कि उनको गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, किरण रिजिजू ने कह दिया था कि पहले इसको पढ़ लेते तो ये भी इसको मान लेते। मैडम, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जो चीज़ शरीयत और मजहबी है उसमें अगर देश में कलेक्टर को राइट दे दिया जाएगा, जैसा कि फैजान मुस्तफ़ा ने अपने प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा ने भी इसको कॉट किया था, उन्होंने कहा था 4 घंटे जो JPC की लगातार मीटिंग्स चल रही हैं उसमें ये बात हो रही है ना, तो 4 घंटे का टाइम दिया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बोलने के लिए, उस पर फैजान मुस्तफ़ा जो है प्रोफेसर, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जो कुछ तरमीम हो रही है वो ठीक है, लेकिन इसमें कलेक्टर को इतने राइट देने कहाँ की सही बात है। अगर कलेक्टर को राइट क्यों दिया जाएगा, हिंदू कमेटियाँ हैं, गुरुद्वारों की कमेटियाँ हैं, उनमें कौन मुसलमान मुदाखलत कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये शरीयत का, इस्लाम का, मजहब का मसला है, तो फिर आखिर किसी की मुदाखलत कैसे बर्दाश्त की जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। अब अंबानी का बना हुआ एंटीलिया जो बना हुआ है, वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, उस पर भी केसेस हैं, उस पर भी लगातार बात होती है, वो चीजें आप तमाम बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन आपका जो ये वीडियो है ये कहीं ना कहीं एक पार्टी के बिहाफ पे ही वो सामने आता है जो लगातार इसका पक्ष कर रहे हैं। आप एज ए मुस्लिम, मुझे लगता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट 2024 बिल का जो हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, पूरा मुसलमान जो है विरोध कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसके समर्थन में खड़ी हैं और आप चाहती भी यही हैं कि जो संशोधन है इसमें हो जाए। तो ये ओवरऑल एक वीडियो थी जिसमें आसद साहब को भी मैंने शामिल किया, उन्होंने जो कुछ वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कहा है और थोड़ी थोड़ी बातें जो है रूबिका लियाकत की भी आपको सुनवाई हैं, वो क्या कुछ मुसलमानों तक मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं। तो 5 करोड़ लोग एक तरफ जिनमें दिमाग नहीं है, जो नहीं सोच पा रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल और रूबिका लियाकत जी का एक शार्प माइंड, बहुत शानदार माइंड जो है वो काम कर रहा है और वो यही कह रही है कि जो कुछ भी है वो ठीक ठाक है और सारा जो ठीक रहा है उन्होंने वक्फ के सर फोड़ दिया है। 2-4 बातें ठीक हैं आपकी है, और होनी भी चाहिए, वक्फ बोर्ड को उधर सोचने की जरूरत है, विधवाओं के, यतीमों के, सबके बारे में सोचने की जरूरत है, और जो कुछ वक्फ काम करता है वो लिख के तो देगा नहीं, लेकिन ये जो कुछ आप बताने की कोशिश कर रही हैं, जो कुछ आप एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 5 करोड़ लोगों ने तो मेल किए हैं और उसके अलावा न जाने कितने लोगों के मेल जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं वो फेल हो गई, वरना आपकी आंखें और सरकार की आंखें फटी की फटी रह जाती कि मुसलमानों की देश में यह हालत होने के बावजूद मुसलमान आज भी इतना ही जागरूक है जितना होना चाहिए, सिर्फ भूल गया है तो वो थोड़ी देर को ये भूल गया है कि मैं मुसलमान हूं या मुझे किस मकसद के तहत दुनिया में भेजा गया है, उसका अल्लाह पर यकीन और उस पर सारी चीज़ें जो है वो खत्म होती जा रही है और वो दूसरे के जो रंग है उसमें ढलता जा रहा है। अगर अपनी वाली पे मुसलमान, जो स्पेशली मुसलमान होते हैं, आपने अपनी वीडियो में हजरत उमर फारूक का जिक्र किया है, तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया, तो पूरे आलम के लिए, मैं कह रहा हूं पूरे आलम के लिए रहमत, उनका तो बहुत आला मकाम है, उनका तो थोड़ी देर को अलग रख देते हैं, सिर्फ हजरत उमर फारूक के पैटर्न पे चल जाए ना तो ये पूरी दुनिया मुसलमानों का जो वजूद है, मुसलमानों की जो पहचान है, उसे खड़े होकर सल्यूट करेगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, तो आप थोड़ा सा और जो है ज्ञान इकट्ठा कर लिया करिए, जब भी कोई मुसलमानों को लेकर मसला है तब शरीयत पढ़ लिया करिए, तब बुखारी पढ़ लिया करिए, मुस्लिम पढ़ लिया करिए, तिर्मिजी पढ़ लिया करिए और इसी तरह से जो है हवाले दिया करिए। अगर आप तमाम लोगों को, नाज़रीन को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट्स करके अपनी राय जरूर पेश करें कि रूबिका लियाकत कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक उनका जो एक बेबाकी वाला अंदाज है, जो वक्फ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, कहाँ तक ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।